في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Am I clear till here? Clear? Any doubt? Yes, Amreen Begum. You can unmute yourself and answer. Amreen? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी एक डाउट है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्वाइस बार रिवाइज कराए बोल के बोले, तो मैं दो बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि सलाम को सुनाए. यस ऐसा है क्या? हाँ, रमजान में रिविजन होता था, दो सुनाते थे ना वो, तो लास्ट उसमें दो बार. जी अच्छा जी, एक बार इससे पहले आप सुने थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनाते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा सुनाते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पूरा सुनाते थे, तो ऐसा होता था बोल के. तो ये इस बार दो बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए. जी हाँ जी ओके, जज़ाकअल्लाह, यही क्लियर करना था. जी सर. अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा आवाज कम है, आवाज कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम रेज करिए. यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. जी अब सुना रही हूं. उबै बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी 100 से कम सूरतें जो थी. सहर आपके पास आवाज आ रही थी तो मैं म्यूट कर दी थी. जी बोलिए. नहीं नहीं मेरे पास से नहीं आ रही थी उस्ताद. अच्छा ठीक है बोलिए. जी मेरा क्वेश्चन ये है उस्ताजा कि आप बोले कि थोड़े सहाबा के पास कुरान की कॉपी थी और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भी कॉपी थी कुरान की, लेकिन एक्चुअली तो कंपाइलेशन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा कुरान की थी, यानी कंप्लीट कॉपी नहीं थी. वो लोग जो जो भी लिख लेते थे अपने पास वो रख लेते थे, एक कुछ तो भी बुक के शक्ल में, अपने नोट्स के शक्ल में जैसी रहती थी वैसा रहती थी. Like running notes. Running notes नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जो है अपने दिल से नहीं लिखा जाता. वो लोग जितना जितना याद कर लेते थे लिखते लिख के अपने पास एक कॉपी बना के रख लिए थे. ये पूरी फुल कंपाइलेशन ऑफ ये जो उस्मान रदी अल्लाह ताला या अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे हुई थी, वो पूरी कुरान जो कंपाइल की गई थी, चेक की गई थी, उसमें कोई आयत मिस नहीं है, कंफर्म किया गया था बहुत रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद देख के, वो एक पूरी परफेक्ट शक्ल की किताब वो थी. लेकिन जो ये सहाबा कराम के पास कॉपी थी, ये कोई चेक नहीं किए थे, ये कोई क्रॉस चेक नहीं हुई थी, ये किसी से कंपेयर नहीं की गई थी, ये पूरे सहाबा कराम को बुला के पूरे आयतें पूरे सूरतें है ये चेक नहीं किया गया था. उनके पास जितना जितना हिफ्स था, जितना जितना लिख लिए थे, वो अपनी 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 बुक बना के रख लिए थे. अच्छा क्लियर हो गया. जज़ाकअल्लाह खैर. जज़ाकअल्लाह खैर. ये समीरा खान. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैम एक वक्त पे एक ही सूरह की आयतें नाजिल होती थी कि अलग अलग सूरतों की भी, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो नहीं होती थी, क्योंकि आखिरी सूरह जब सूरह बकरा की 281 है, तो उससे मतलब उसके बाद वाली उससे पहले नाजिल हुई थी. जी. तो मैम फिर वो जो कुरान उस टाइम याद किया गया था, वो जो अभी जो मुसफ है हमारे पास, वो उसी ऑर्डर में याद किया गया था. ठीक है देखिए कैसा रहता था. ठीक है ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत केयरफुली इसको सुनिए. ठीक है, एक होता है तरतीब नुजुली, एक होता है तरतीब मुसफ. तरतीब नुजुली यानी द सीक्वेंस इन विच द आयाज वर रिवील्ड. तरतीब मुसफ यानी नाउ आफ्टर टुमारोज क्लास यू नो व्हाट इज मुसफ. टुडे व्हाट वी हैव कुरान इन द मुसफ बुक फॉर्म, दिस इज मुसफ. तो इसकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, या इसकी जो क्रोनोलॉजिकल तो नहीं सीक्वेंस जो है, तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिवेलेशन. करेक्ट. तो अब ये डिफरेंस क्यों है? सबसे पहले दिस डिफरेंस इज नॉट फ्रॉम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस डिफरेंस इज नॉट फ्रॉम सहाबा, दिस डिफरेंस इज फ्रॉम अल्लाह सुबहान व तआला ओनली. ठीक है, ये हमको कैसे पता चलता है? बिकॉज अभी जो हम लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट जो है रमजान में ट्वाइस रिवाइज किए,
तो वो ट्वाइस रिविजन वॉज इन तरतीबे मुसहफ ओनली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को कुरान सिखाते थे तो ऐसे जो है जब जब जो देखिए कुछ सहाबा किराम थे जो बहुत हरीस थे, बहुत ज्यादा याद करते थे, जैसे अभी हम कुछ मशहूर सहाबा किराम जो हिफ्ज करने में मशहूर थे बोलिए, तो वो सहाबा किराम को तो पूरी पूरी कुरान याद होती थी, लेकिन कुछ सहाबा किराम थे कुछ सूरत याद कर लेते थे, सामने थे ये याद कर लिए, वो याद कर लिए, वो याद कर लिए, तो कोई कोई सहाबा किराम टुकड़े टुकड़ों में याद करते थे, लेकिन जो सहाबा किराम लिखते थे और जो सहाबा किराम पूरी की पूरा कुरान याद करते थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि दिस विल कम फर्स्ट, दिस विल कम सेकंड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मुसहफ, क्लियर। तो उन सहाबा किराम को पता होता था कि कौन सी आयत को कहाँ रखना है और कौन सी आयत जो है तरतीब मुसहफ में कैसे आएगी, क्लियर क्लियर क्लियर। एंड दिस कंपाइलेशन इन या फिर दिस ऑर्डर ऑफ जो है कंपाइलेशन, दिस इज फ्रॉम अल्लाह सुभान व तआला ओनली, दिस वाज नॉट बाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस वाज नॉट बाय सहाबा किराम, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। इसकी दलील क्या है कि लास्ट रिविजन जो ट्वाइस हुई है तरतीब मुसहफ में हुई, तरतीब नुज़ुली में नहीं हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को भी वैसे ही सिखाया। अस्सलाम वालेकुम, एक ही डाउट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमीम हूँ ग्रुप 3 से। आपने बताया कि जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए तो वो सूरह ताहा की आयतें पढ़ रही थी, लेकिन कुरान जब कंपाइल हुआ बाद में 30 पारों में डिवाइड हुआ, सूरतें भी बाद में नाम रखे गए या जब वही आती थी तब ही सूरतों के नाम आते थे? मैं आपको सूरतों के नाम का भी पूरा चैप्टर है उसमें समझाऊंगी कि कैसे कैसे आते थे, क्यों क्यों आते थे, कैसे कैसे रखे गए, इंशाल्लाह ताला वो एक्सप्लेन करूंगी आपके कोर्स में, वो एक चैप्टर है इंशाल्लाह ताला। एक ही डाउट आया कि सूरत ताहा की आयतें पढ़ रहे थे तो सूरतों का नाम अभी नहीं रखा गया था ना, वो कैसे मालूम हुआ? कुछ कुछ सूरतों के रखे गए थे, कुछ कुछ सूरतों के नहीं रखे गए थे, वो लेटर ऑन रखे गए थे, वो चैप्टर है पूरा, मैं एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सॉरी मैं आपको म्यूट कर दी, कुछ बोलना चाह रहे थे शमीमा? यस सानिया खालिद। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुझे ये डाउट था कि आप बोले कि आखिरी आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 9 दिन पहले आई थी, लेकिन तरतीब में मुसहफ में जो आया वो ऑलरेडी रमजान में रिवाइज कर चुकी थी, तो जब तक मतलब लास्ट आया थी इतनी लेट आई, तो हाउ कम पहले का पहले पूरा तरतीब आ गई थी? मतलब देखिए पहले के पहले पूरी तरतीब में जितनी आयतें थी वो बता दी गई थी। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए आगे इंशाल्लाह कंपाइलेशन में है, जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु लास्ट स्टेज में बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और जो सेकंड रिवीजन थी उसमें भी आपके साथ थे, और जैद बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल पड़ोसी थे, तो जब भी कोई आयत नाजिल होती तो वो उनसे लिखवा लेते थे। और उसके अलावा पे बहुत सारे सहाबा किराम है जो उनके घर में आते थे, जाते थे, फ्रीक्वेंटली उनके पास रहते थे, तो वो सहाबा किराम जो मिसिंग थे वो बराबर से उसको प्लेस कर दिए। तो वो लास्ट आयत जो 9 डेज पहले आई लेकिन ऑलरेडी रमजान में तो पूरा रिवीजन हो चुका था, तो हाउ डिड दैट फिट इन? रिवीजन यानी जितनी नाजिल हुई उतने का रिवीजन। अच्छा, और फिर जो बाद में आते गई, बाद में आते गई सहाबा किराम उसको सही जगह प्लेस करते गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्लेस करते थे और याद भी करते थे। ओके ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। एनी अदर क्वेश्चंस? शैल वी टेक अ 5 मिनट ब्रेक? 5-7 मिनट्स का वी विल टेक अ ब्रेक हियर। ओके, इट्स 10:13। यस ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उस्तादा, में भी सूरह नजम से कुछ डाउट था। सूरह नजम में जो है ना पहला सजदा आया ना, फिर ये इसका जो रिवीलेशन जो है नबुवत, तीसरी नबुवत ऐसा बताता, मतलब ऐसा बताया जाता है कि नबुवत है ना, हिजरत नहीं है। सो व्हाट, मक्की सूरतों में है पूरे। जी जी, जब पहला सजदा आया और कुछ लोग जो है ना हबशा की तरफ हिजरत करे थे, वो मौके पे आई तो लोग समझे कि सारे मक्के के जो मुश्रिकीन थे वो लोग ईमान लाए, ईमान लेकर वापस आ गए थे। हाँ, लेकिन जब इसका वो देखते, ये नुजूल जब देखते तो 8 हिजरी बल्कि बताता, वाकिया जो है ना 3 नबुवत का आता, वो आयत नबुवत में नाजिल हुई, बाकी की सूरत समझ रहे आप मेरी, because I will also have to check the ayahs पूरे, लेकिन अगर इस तरह की information हमको मिलती है like you are saying, तो वो एक particular ayat जो है उस time पर नाजिल हुई, बाकी की सूरत it will be revealed later on if it is like that।
क्योंकि पूरी सूरत एक साथ तो नाजिल नहीं होती थी ना। जी जी वही है, वही मेरे को था ये जो सजदा आया, सजदा जो है आपको तीसरे नबुवत का वाकया मिलता, और जो सूरह की फिर अपन जब देखते हैं कि कब नाजिल हुई। तो देखिए उसमें बहुत सारे, जैसे मैं अभी आपको बताई कि कोई एक सूरत रहती तो वो पूरी सूरत जरूरी नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा कभी नाजिल होता कुछ हिस्सा कभी नाजिल होता। मदनी सूरत, अच्छा मदनी और मक्की में जो क्लासिफिकेशन है ना उसमें भी क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयाज मदनी है या मक्की है, उस तरीके से आपको उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो मक्की है या मदनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई आयत मक्की है, तो इसीलिए तो मैं वो प्योरली मक्की एंड प्योरली मदनी के वो दी थी ना मैं अभी। तो अगर कोई सूरत मक्की है तो उसमें मदनी आयतें भी हो सकती है, और कुछ सूरतें मदनी हैं तो मक्की आयतें भी हो सकती है। वी विल टेक अ ब्रेक, 10:15 हो रहे, 10:25 आई विल बी बैक। ओके अस्सलाम वालेकुम। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी ऑनलाइन ओनली, डोंट लीव द जूम रूम फॉर द ब्रेक, और बी हियर टिल द एंड बिकॉज लाइव क्विज विल बी कंडक्टेड इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट्स स्टार्ट विद, आर यू ऑल बैक? प्लीज एवरीबॉडी कम बैक, जो जो आपके करीबी है या नहीं है प्लीज चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज उनको जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, एवरी ईयर रमदान में रिवीजन जो होता था और जिब्रील अलैहिस्सलाम, दैट्स ट्रू, यस। फायजा इज सेइंग इसके रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे, यस इसके रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे रहेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला लिंक सारे उस पे ग्रुप्स में पोस्ट कर दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। एंड जब आपने कॉपीज, डोंट शेयर द स्लाइड्स फॉर नाउ, इस के फिर जब आपने अपने कॉपीज रखते थे सहाबाज, वो कॉपीज कलेक्ट करके किताब की शक्ल में बनाए थे या एक ही सहाबा? देखिए किताब की शक्ल में नहीं थे, कैसा था जिस जिसको जो जो याद थी जो जो लिखते थे वो एक जगह पे, क्योंकि जो बहुत हरीस थे वो अपने अपनी रख लिए थे लेकिन वो कंप्लीट कॉपीज नहीं थी। टुडे एट व्हाट टाइम द लेक्चर विल बी कंप्लीटेड? 12:30 तक ले लेते हैं हम इंशाल्लाह ताला, 10 to 11, 12 तक ले लेते हैं। स्लाइड्स आई विल शेयर इट, आई विल अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट एंड देन आई, आप लोग के पास वेबसाइट का लिंक होगा, आई विल गिव यू द वेबसाइट लिंक। ओके समीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कुरान मुसहफ की शक्ल में, डेफिनेटली हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान मुसहफ की शक्ल में मिलना, बट आई इमेजिन 10 आयत के एक ऑर्डर में याद करना के बाद भी अगर एक आयत 1 से 10 के बीच में कहीं आती है तो फिर से न्यू ऑर्डर में याद करना डेफिनेटली। क्या सूरा के सारे आयतें? नो, एक सूरत भी जिस ऑर्डर में है वो ऑर्डर में रिवेलेशन नहीं थी। नाउ आगे जाने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। थैंक्स मैम, दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल, वी हैव टू पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग, इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ मच यू वांट टू पेन डाउन, डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स विद यू इंशाल्लाह ताला। कल मैं दारुल अरकम का आप लोगों को जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी और हम लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है दारुल अरकम के बारे में नहीं जानते हैं या दारुल अरकम के कोर्सेज के बारे में नहीं जानते हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि देर आर 3 डिप्लोमा कोर्सेज, 4 है एक्चुअली, 3 सेक्शंस है मैं आपको बताई थी। 1 इज इस्लामिक एंड कुरानिक नॉलेज, 2 इज जो है नेचुरल हीलिंग वाला सेक्शन एंड 3 इज सेल्फ डेवलपमेंट वाला सेक्शन। तो इस्लामिक एंड कुरानिक क्लासेस में वी हैव डिप्लोमा इन तालीमुल कुरान, डिप्लोमा इन तजवीदुल कुरान एंड डिप्लोमा इन तफसीरुल कुरान। ठीक है, डिप्लोमा इन तजवीदुल कुरान के 6 लेवल्स है, डिप्लोमा इन तालीमुल कुरान एंड तफसीरुल कुरान इसके भी 6 लेवल्स है। एंड दिस इस्लामिक मेडिसिन के इट्स अ डिफरेंट सेक्शन जिसमें बहुत सारे वो है, अच्छा डिप्लोमा इन फिक्ह भी है। तो डिप्लोमा इन फिक्ह के बहुत सारे लेवल्स कंप्लीट हुए बट आई एम अगेन स्टार्टिंग इट फ्रॉम फर्स्ट लेवल इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमदान। इट विल बी अ 7 or 8 month कोर्स, ईच मंथ में एक लेवल लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो प्लीज कीप चेकिंग द पोस्ट फॉर डिप्लोमा इन फिक्ह, और डिप्लोमा इन फिक्ह इतना बेहतरीन कोर्स होगा कि पूरे अहकाम, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ फिक्ह, देन वी विल टेक तहारत के अहकाम, नमाज के अहकाम, रोजा जक़ात, हज के अहकाम, निकाह और तलाक के अहकाम, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड
उसके बाद हम लोग विरासत के हम अहकामात एंड क्रिमिनल लॉज, एंड वन मोर आई विल टेक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है इंडिया में कौन सी चीजें कैसे एप्लीकेबल होगी इन द कोर्ट की नजर में, तो वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह ताला डिप्लोमा इन फिक में लूंगी। फिक का मतलब होता है गहरी समझ, तो जो अल्लाह ताला के अहकामात है उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग वी विल जो है करेंगे। अरबिक ग्रामर का कोर्स मेनी पीपल आर आस्किंग, ठीक है इंशाल्लाह ताला, लेट मी लाइक नोट इट डाउन, आई विल ट्राई टू गेट इट आल्सो इंशाल्लाह ताला। प्लीज कीप चेकिंग द पोस्ट, हम लोग के पेजेस, वेबसाइट्स, एवरीथिंग यू प्लीज कीप चेकिंग फॉर ऑल दीज कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज, क्योंकि डिप्लोमा इन तजवीदुल कुरान, डिप्लोमा इन तफसीरुल कुरान, तालीमुल कुरान एंड इस्लामिक मेडिसिन के पूरे कोर्सेज एंड डिप्लोमा इन फिक, दीज आर ऑल पेड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज पेड कोर्सेज वी हैव मोर देन 40 फ्री कोर्सेज। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, थोड़े से कोर्सेज ऐसे है जो पेड है, ये डिप्लोमा कोर्सेज। अदर देन दैट मोर देन 40 कोर्सेज आर फ्री, जैसे सीरतुन्नबी है, शॉर्ट सूराज है, नमाज में और नमाज के बाद पढ़े जाने वाले अहकामात है, बयानुल हदीस है, हुकूकुल इबाद है, बहुत सारे कोर्सेज जो है ये क्या है फ्री कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन जो है ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। ये थिंकिफिक वाली जो है यहाँ पे नीलोफर डाले, देखिए darulurqam.thinkific.com, वहां पर आप जाइए, जाकर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करिए, तो यू विल हैव एक्सेस टू ऑल दी फ्री कोर्सेज एज वेल एज सर्टिफिकेशन फॉर दीज फ्री कोर्सेज ऑल्सो। तो आपको इन फ्री कोर्सेज का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज में आई हैव टेकन जो है पेरेंटिंग कोर्स, चूज द राइट पाथ एंड डिस्कवर योर सोल। बहुत सारे लोग सोचते होंगे व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट, एक्चुअली अपने लोगों को ना सेल्फ डेवलपमेंट समझाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी कॉमन एंड बहुत उरुज पर है इन वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल पे लाख्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज ऑन टेकिंग सेल्फ डेवलपमेंट क्लासेस। यकीन मानिए, मैं खुद लाखों के जो है आई हैव पेड फी फॉर टेकिंग दीज सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज। एंड जैसे कल भी मैं बताई थी कि सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए देर आर वेरी फ्यू पीपल, एक या दो होंगे इन द वर्ल्ड, आई हैव सीन ऑन गूगल दोज हु टेक सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, एंड आई हैव बीन डूइंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट। सो आई हैव डिजाइन फ्यू कोर्सेज ऑन सेल्फ डेवलपमेंट जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से है। तो इंशाल्लाह ताला देयर इज अ न्यू वन डे 3 आवर सेशन डिजाइनिंग आवर लाइव्स विद रमदान 2024 1445 हिजरी, अ 3 आवर लाइव इंटरक्टिव सेशन 7 PM टू 9 PM। इट इज अ सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स, रजिस्ट्रेशन फी इज ओनली 699 इंडियन रुपीज। सो यू कैन, इसके लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग सिर्फ जो है इसके ऊपर मैसेज करिए, आई विल सेंड यू किसके ऊपर पेमेंट करना है, और यू कैन जस्ट गूगल पे ऑन 7993106472, इसके ऊपर गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, योर रजिस्ट्रेशन विल बी डन। सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन 9705106472, ठीक है, 7 PM टू 10 PM March 9th 2024, एंड सेंड द स्क्रीनशॉट, और इफ यू वांट एनी डिटेल्स यू कैन गेट इट 9705106472। व्हाट इज दिस कोर्स अबाउट, पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एक होता है इंसान जीरा 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 जीरा, लेकिन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ यू हैव टू बी सैटिस्फाइड फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। यू नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, हाउ टू अचीव योर गोल्स, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। एक बस ऐसी जिंदगी गुजार रहे नहीं, लव द लाइफ दैट यू आर लिविंग, बट इन अलाइनमेंट विद अल्लाह'स विल। सो दिस इज व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट। आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ जो है जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज लिए थे, दोज हू हैव ऑलरेडी डन द सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज, एक या दो कोई आप शेयर करके यू कैन लेट द ऑडियंसेस नो कि व्हाट इज एक्चुअली सेल्फ डेवलपमेंट एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड फ्रॉम डूइंग दैट। Somebody can unmute and tell those have already done. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Self development course ye hai ki apne aap ko pehchanna, kaise pehchanna,
ये बताया गया, और उससे जो है अपनी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती, ये भी बताया गया कि कैसा चेंज कर सकते अपने आप को। और सेल्फ डेवलपमेंट करने के बाद ना अपने आप की पहचान ही हम अपने आप से मिले, कि हम कहीं गुम थे पता भी नहीं चला कि हम किधर गुम हो गए, यानी हम अपने अंदर से अपने आप को पहचान सके कि हम क्या है और हम कैसे रहना है, दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना है, और अल्लाह के अहकाम के साथ कैसा, ये बहुत अच्छा दिखा मुझे कि कैसे जो है सो इंसान अपने आप से भी प्यार करना, वो अपने आप से प्यार करना तो कभी भी नहीं सीखे हम, सिर्फ दूसरों को, दूसरों के साथ कैसा रहना, दूसरों के साथ कैसा करना, यही सीखे ना, और हर जगह यही देखते रहे कि दूसरों के साथ क्या करना है, उनके क्या हुकूक है, इनके क्या हुकूक है, ये सारी चीजें सीखे, लेकिन अपने आप से मोहब्बत कैसे करना है और अल्लाह से कैसे कनेक्ट होना है, ये हम इसमें सीखे। ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप लोग जरूर इसको वो करें, इसलिए कि अपने आप से जब हम मोहब्बत करेंगे तो हम सारे लोगों को मोहब्बत दे सकेंगे, और अल्लाह से भी मोहब्बत कैसे करना है वो भी अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा हम पहचान सकेंगे तो फिर हम हर चीज करने के लिए तैयार भी होंगे। ये कोर्स हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि मैं जब करी तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये सारे लोगों को पकड़ पकड़ के इसके अंदर लेकर आना ऐसा दिल चाह रहा। यस शमशाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु उस्तादा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं थोड़ा सा अपना जर्नी बोलना चाहूंगी, उसके बाद कैसे सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स मुझे हेल्प किया वो बताना चाह रही थी। बचपन से सेल्फ डेवलपमेंट यानी ये सोचे थे कि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, फिर जॉब करेंगे अच्छा सा, और तब दुनिया के सब मिल जाएंगे, ऐसे ही सोचते थे उस्ताजा, कि इतना दीन का इल्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तालीमुल कुरान से जुड़े, आपसे इन्फ्लुएंस हुए, और कैसे कुरान कैसे नाजिल हुआ अभी हम सुन रहे हैं, तो उसके बाद तालीमुल कुरान ज्वाइन की मैं। तो लाइफ का जो पर्पस है जिंदगी में, हम लोग क्यों आए, अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करना है, जो कुछ भी है वर्ल्ड, बस ये सब पता चला। फिर उसके बाद दिल में ख्वाहिश तो बहुत होती थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन मुझसे क्या हो सकता है, ये मुझे सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद पता चला कि अल्लाह ने हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट के साथ, कुछ ना कुछ पर्पस के लिए, हाँ इबादत करने के लिए तो पैदा किया है, लेकिन कुछ है जो हमसे हो सकता है, वो हमें करना है, और इसको कैसे करना है आप अच्छे से डायरेक्शन दिखाए, और कुछ भी कमी नहीं है, हम घर बैठे जो भी चाहे हम लोग कर सकते हैं। आई एम ए मदर ऑफ 3 kids, मेरा छोटा अभी 1 year का ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ये नहीं सोची कि मैं कैसे करूँगी, इतने सारे काम है, ये सब कुछ है। बस आफ्टर डूइंग द सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स, द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज आई एनरोल्ड इन अ वीडियो एडिटिंग कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अभी मैं ऐसे वीडियोस एडिट कर पा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिससे अगर लोग देखें तो उन्हें भी, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें देखने से ऐसे दावा के, जो हम लोग खुद बोल नहीं सकते, उतनी हिम्मत नहीं होती दूसरों को फेस करके बोलने की, तो एटलीस्ट हमसे जो हो सकता है हम वो करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ये सवाबे जारिया बनेगा हमारे लिए। तो जजाकल्लाह खैर उस्ताजा, दिस वाज द आउटकम ऑफ माय थ्रू द सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स। जजाकल्लाह खैर शमशाद फॉर शेयरिंग दिस, एंड यस्टरडे शमशाद ने कोई गिफ्ट की तौर पे सूरह नूर के कुछ आयतें एक्सट्रैक्ट किए फ्रॉम माई ऑडियो, एंड शी एडिटेड इट सो एक्सलेंटली, आई वॉज टोटली मूव्ड एंड मेस्मराइज्ड बाय इट, यू नो। मैं अभी रात में किए हूँ नो, एंड आई कुडंट अपलोड इट ऑन यूट्यूब, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद यूट्यूब पर अपलोड करूंगी। यू प्लीज डू चेक अवर यूट्यूब चैनल सूरह नूर के, इतने ब्यूटिफुली एडिट किए, इतने ब्यूटी, कोई बहुत बड़े माहर एडिटर भी नहीं कर सकता, इतना ब्यूटिफुली एडिट किए शमशाद। आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह शमशाद, एंड मे अल्लाह ब्लेस यू इन दुनिया एंड आखरा। मैं इंशाल्लाह ताला, आप लोग प्लीज क्लास के बाद यूट्यूब चैनल जरूर चेक करिए, शी जो है विल बहुत एक्सलेंटली अपलोड किए। मैनी पीपल आर आस्किंग सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज कितने हैं, क्या है। देखिए सेल्फ डेवलपमेंट एक कोर्स नहीं है,
सेल्फ डेवलपमेंट इज अ सेक्शन विच आई हैव स्टार्टेड इट रिसेंटली. जैसे मैं आपको बताई कि पूरे दारुल अरखम में वी हैव थ्री सेक्शंस. वन इज इस्लामिक एंड कुरानिक कोर्सेज ओनली. सेकेंड इज नेचुरल हीलिंग के कोर्सेज है जिसमें तिब्बे नबवी का कोर्स है, हिजामा कोर्स है, टुमारो आई विल स्पीक अबाउट हिजामा कोर्स इंशाल्लाह ताला, सुना हेल्थ एंड डाइट कोर्सेज. सो ऑल दोज आर नेचुरल हीलिंग के कोर्सेज है इन द लाइट ऑफ तिब्बे नबवी. एंड थर्ड सेक्शन इज सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स. सेल्फ डेवलपमेंट में आई हैव टेकन थ्री कोर्सेज ऑलरेडी. वन इज चूज द राइट पाथ, सेकेंड इज डिस्कवर योर सोल. चूज द राइट पाथ इज हमेशा हम जो विक्टिम प्ले करते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, बट वी हैव द राइट टू चूज आवर लाइफ एंड हाउ टू डू दैट, दैट आई हैव टेकन इन चूज द राइट पाथ. डिस्कवर योर सोल इज हमारे अंदर एक पैशन का कीड़ा रहता, तो हाउ टू डिस्कवर दैट पैशन एंड हाउ टू मेक इट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उसका लाइफ में कैसा होना, दैट आई हैव टेकन इन डिस्कवर योर सोल. सो देर आर डिफरेंट कोर्सेस ऑन आर वेबसाइट, डू चेक दैट. एंड थर्ड, ये वन डे का सेशन है रमदान का जो मैं बताई, तो ये थ्री आवर्स का सेशन है रमदान का. एवरी रमदान अल्लाह ताला क्यों लेकर आती है रमदान, जैसे आप सबको पता होगा कि इट्स अ ट्रेनिंग फॉर अवर बॉडी एंड अवर ऑफ अवर सोल टू हैव अ बेटर लाइफ. बाकी की जिंदगी, बाकी का जो साल है, पूरा साल एक बेहतरीन जिंदगी हम गुजारना, उसके लिए एक ट्रेनिंग है. हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ, नमाजों के लिए ट्रेन करना, इबादतों के लिए ट्रेन करना, अच्छाइयों के लिए ट्रेन करना, बुराइयों को क्विट कर देना, उसके लिए ट्रेन करना, तो उसकी ट्रेनिंग होती. लेकिन वो ट्रेनिंग के बाद हम भूल जाते, तो हाउ टू मेक दिस ट्रेनिंग, दिस जो वो है डिजाइन योर डिजाइनिंग अवर लाइफ विथ रमदान वाली जो ये थ्री आवर्स का सेशन है, दैट इज हाउ टू डिजाइन योर लाइफ विद दिस ट्रेनिंग फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर. तो जो है, जैसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, या ये रमजान से मैं ये करूंगी, ये रमजान से मैं खाना अच्छा खाऊंगी, ये रमजान से मैं ये गुनाह छोड़ दूंगी, या ये रमजान से मेरी प्रोडक्टिविटी में ये अच्छा हो जाना. तो हाउ टू मेक इट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ, दैट इज वॉट इज गोइंग टू बी टेकन इन दिस डिजाइनिंग अ लाइफ विद रमदान 2024 सेशन इज अबाउट दैट. ठीक है, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेस आई एम बहुत सारे लेकर आ रही हूं मैं, इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आल्सो आई विल बी गेटिंग इट. सो दिस इज व्हाट इज द न्यू सेक्शन सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस इज ऑल अबाउट. ठीक है, देयर आर मेनी, वो व्हेन यू कम टू नो यू आर यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू मैनेज योर लाइफ इन अ बेटर वे. दिस इज व्हाट रुबीना इज सेइंग. व्हाट विल वी पोर व्हेन अ कप इज एम्प्टी, योर कप विल बिकम फुल दिस सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस. एंड आयशा शेख इज सेइंग सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस आर मस्ट, यू बिकम मोर क्लियर कॉन्फिडेंट हैप्पी no right to choose, aware, and most importantly, a connection with Allah will be stronger, inshallah. Self-development and choose the right path, dono same hai kya? Abhi main explain kari thi na, ma'am, how many days, this is just 3-hour session. Apne passion ko, talent ko, phir se start karne ka. So, fear se overcome kaise karna, relationships ko jo hai, kaise better karna, unki jo hai, quality ko kaise improve karna, ye sari cheeze self-development courses mein li jati hai. Okay, so registrations are open. Please do register. It's on 9th March, inshallah ta'ala, Saturday, 7 p.m. to 10 p.m, inshallah ta'ala. Now, as I told you, we have many sections. So, I would like to introduce jo hai, tajweed section to you all. Aap log bahut saare tafseer ke hai yahan pe. So, you people do not know about tajweed section. The tajweed section is headed by Amina. Amina, main tajweed teachers ka jaise jaise naam le rahi hoon, please. We have 25 jo hai, teachers in tajweed, Anjum, Asma Begum, Aisha Abdul Hamid, Aisha Ansari, Farhad Jabin, Farzana Sultan, please raise your hands, aap log upar aa jayenge screen par, Mehwish Saleem, Nazia Jabin, Nikhat Sharif, Nilofar Sharif, Nusrat Fatima, Rafia Begum, Roshan Ara, Rubina Afrar, Safa Usman, Seher Ansari, Samreen Fatima, Shah Shabnam, शेख शबनम, शमानाज, शानूर अमरीन, शीबा फातिमा, यास्मीन सैयदा एंड जोहा जबीर. दिस होल टीम इज जो है हेडेड बाय मसरत आमिना. मसरत कैन स्पीक अबाउट दिस सेक्शन. तो एक्सलेंटली टीचर्स की ट्रेनिंग, यहाँ पे थोड़े ही हैंड्स रेज्ड है, बट वी हैव 25 टीचर्स इन तजवीद सेक्शन जो बहुत ही एक्सलेंट ट्रेनिंग. ऐसा नहीं है यहाँ से वहां से टीचर्स को ले लिए, हाँ भाई कोई पढ़ लिए तो उनको जो है तजवीद पढ़ाने के लिए बिठा दिए. नो, दीज ऑल टीचर्स आर एक्सलेंटली ट्रेन्ड अंडर आमिना एंड शी इज हेडिंग दिस. तो आमिना विल स्पीक अबाउट इट इंशाल्लाह. सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मेरा नाम मसरत आमिना है, तुम्हें आमिना है.
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिप्लोमा इन तजवीद अल कुरान को उस्तादा सारा ने अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ये चीज लोगों तक पहुंचा सके। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हम तजवीद में कोर्स कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है और इसकी जो नस्बत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलती है। तो जो चीज़ ऑथेंटिक होती है उसमें ज्वाइन होने में किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज इज दिस की ऑथेंटिक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें ना थोड़ा आपका वॉल्यूम लाउड कर सकते हैं, इट्स क्लियर बट थोड़ा लो है। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है। ओके तो डिप्लोमा इन तजवीद अल कुरान में हम जो पढ़ रहे हैं वो है हफ्सन आसिम इन तरीक शातबिया। इसको हमने 6 लेवल्स में डिजाइन किया है और बहुत ही आसान वे में इसको रोमन इंग्लिश में और इंग्लिश की बुकलेट्स में हमने बनाया है। 3-3, 4-4 चैप्टर्स को एक एक लेवल में लिया है और आप लोग को पोर्टल पर इसके वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें आपको मेरे खुद के पूरे वीडियोस रहेंगे विद स्लाइड्स एंड एवरीथिंग। और वीकली आपको टेस्ट भी रहते हैं, पोर्टल पर एक्सेस रहता है जो भी ये करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4-6 months यूजुअली 4 months का होता है कोर्स। तो उसमें आपको पूरा इन वन लेवल आपको उसके बारे में जैसे मखारिज है, जैसे सिफात है, हर चीज के बारे में आपको इन डिटेल आपको वीडियोस भी मिलेंगे। और 2 teacher बेनिफिट होता है, एक तो मेरी खुद के वीडियोस, दूसरे आपको एक पर्सनल टीचर होती है जो साइन की जाती है। वो आपको इंशाल्लाह एक वीकली 3 classes होते हैं तो एक क्लास लेंगे 20 minutes की, उसमें वो आपको डायरेक्टली पढ़ाएंगे। जो आप दूसरे सारे इंस्टीट्यूट में देखेंगे कि जहाँ पर आपको तजवीद पढ़ाई जाती है वो सिर्फ थियरी पढ़ा देते, आपका जो रेसिटेशन प्रैक्टिस है वो नहीं होता। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह थियरी के साथ साथ आपको रेसिटेशन प्रैक्टिस होता, आपकी छोटी छोटी गलतियों से लेकर बड़ी बड़ी गलतियां हर चीज इंशाल्लाह आपकी करेक्ट की जाती है यहाँ पर। और द वन हु हैड क्वालिफाइड फर्स्ट लेवल विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इस तरह जो भी पूरे 6 level कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह उनको एक डिप्लोमा इन तजवीद अल कुरान का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो भी ये कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह वो लोग तजवीद में हफ्सन आसिम इन तरीक शातबिया में महारत हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो टीचर्स हैं उनकी खुद की भी ट्रेनिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और टीचर्स भी माशाल्लाह पूरे बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड है और वेल ट्रेंड है माशाल्लाह। तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख रहे हैं सबके हैंड्स रेज है माशाल्लाह। तो ये सारे हमारे तजवीद के टीचर्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। आप लोग अगर फेस कवर करके आ सकते स्क्रीन पर तो यू कैन सी नीलोफर शरीफ, निखर शरीफ, आयशा, ये सब। आप लोग प्लीज थोड़ा सा कैमरे पे आ सकते तो कुछ कनेक्टिविटी फील होगी। हाँ भाई खाली ब्लैंक स्क्रीन्स नहीं है, सच्ची में भी टीचर्स है इनके पास। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हो कि माशाल्लाह बहुत वंडरफुल टीम है हमारी और हम लोग एज ए फैमिली वर्क करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि सब लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं अपने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। और जो लोग बिल्कुल अटक अटक के पढ़ते हैं दे कैन ओनली सी की विदिन 2 levels जो उनके कंप्लीट होते हैं उसके बाद वो लोग माशाल्लाह अच्छे फ्लुएंसी के साथ पढ़ने लग जाते हैं। और जो लहन जली करते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाती है और फिर धीरे धीरे उनकी लहन खफी पर भी हम काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अ वेरी वंडरफुल कोर्स, सो यू कैन एनरोल इन दिस आल्सो। इसके 6 levels होते हैं। नीलोफर शरीफ जो आपको फर्स्ट सबसे ऊपर हैंड रेज है आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा इन तजवीद अल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो जज़ाकअल्लाह खैर आमिना। तो नीलोफर शरीफ इज द वन हु इज हैंडलिंग ऑल द एडमिशन एज वेल एज द रिकॉर्ड्स ऑफ तजवीद सेक्शन। तो नीलोफर अभी वी आर जस्ट अबाउट टू क्लोज द एडमिशन ऑफ डिप्लोमा इन तजवीद अल कुरान। तो प्लीज दोज हु आर इंटरेस्टेड आप लोग नीलोफर नंबर पोस्ट कर देंगे या वी कैन हैव द पोस्ट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। So I am really thankful to all the Tajweed section teachers. Many are not present here. Some are working, so couldn't. And ek do mujhe message kare the, though they are not well. So I am really thankful to Allah Subhanahu wa Taala for making this possible through our platform. And Jazakallah Khair Masrat for training all those teachers and itni behtareen cheez lekar aane ke liye. Aur I am really thankful to all the teachers for being the support, being there. इतना आसान नहीं है, कहीं से भी पढ़ के आना पढ़ा देना आसान है बट
पढ़ लिए ये लोग बट स्टिल दे आर अंडर ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा ग्राइंड होके बाकी लोगों को कर रहे. सो फॉर ऑल योर एफर्ट्स आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. तो प्लीज जो है तजवीद के अभी भी एडमिशंस वी आर जस्ट अबाउट टू क्लोज, दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज कर दीजिए. आयशा अंसारी सिंह वन ऑफ द बेस्ट तजवीद कोर्स आई मस्ट से, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स. देन आप लोग को मैं ना जो पारे आप लोग देखते होंगे रोमन इंग्लिश में आप लोगों को नजर आते हैं, तो एक्चुअली मैं आप लोगों को ये सब सारों को इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये है कि नजर मैं आती हूँ लेकिन इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क, बहुत बड़ी टीम, बहुत सारे लोगों की मेहनत है. जैसे तजवीद सेक्शन इज हैंडल्ड बाय आमिना, ट्रेनिंग वगैरह पूरा, बिकॉज इज हैंडल्ड बाय नीलोफर एंड निखत अलोन, तो इट्स कम्प्लीटली अ टीम वर्क. तो जो रोमन इंग्लिश के पारे आप लोगों को नजर आते हैं दे वर ऑल टाइप्ड बाय आवर पीपल ओनली, वी विल कॉल अदर पीपल नाउ. सो जो रोमन इंग्लिश के पारे हैं दैट इज टोटली जो है हेडेड बाय निखत शरीफ. तो शी इज फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ माय जर्नी, तो शी हेडेड तो उनसे है, शी इज बी लाइक सुपरवाइजिंग एवरीथिंग, बट एक बहुत बड़ी टीम ने जो है इसको टाइप किया, कंपाइल किया और बहुत सारे चीजें जो है इसमें उन लोगों ने किए. असराबाजी, जोहा, शीबा, नौरीन, आयशा काजिम, मकमूर, रुबीना, निशात शरीफ, फौजिया बेगम, रूही फातिमा, तैयबा, सईदा, सुमैया, आलिया, जबीन, नसीबा फातिमा, तहुरा, इशरत, रोशनारा, परानिकत, राहिला शाबान, सामिया फरत, शानूर, इरफाना, आफरीन, लुबना, नसीमा, अरशदा, अर्शिया नुसरत, तरन्नुम, समरीन फातिमा, समीना एंड सैदा तलत. These are all the people जो मैं नाम ली अभी, कुछ hands are raised, they have like helped us in typing, proofreading, and ये पारों का काम अभी still it's going on. तो ये सब लोगों के बिना possible नहीं था. निखत will speak about it inshallah ta'ala. How the journey is, it's not that easy. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Clear है? Yes clear है. जी. तो ये जर्नी एक्चुअली हम लोग कोई भी प्रोफेशनल्स नहीं है यहाँ पे, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स नहीं है, टाइपिंग एक्सपर्ट्स कुछ नहीं है, सब लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर है. तो आई हैव आल्सो लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर. अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉफ्टवेयर मिला, हस्बैंड भी हेल्प किए, उसके बाद उसके थ्रू हम लोग पारों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करे, एक पारे की आयत निकाल के उसे कॉल रोज बनाए, फिर उसे एडिट करते गए, एक एक को एक एक इंस्ट्रक्शंस मिलती गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हुआ. कभी कभी ऐसे होता था कि जब डॉक्यूमेंट से सीधा पीडीएफ में चेंज करो, इधर से उधर थोड़ा गड़बड़ हो जाती थी, तो वो सब सीख कैसे करना है. फिर स्टूडेंट्स के मैसेज आते, नहीं ये बाजी ये आयत का कॉलम ये मिसिंग है, ये माना इधर के बॉक्स में चले गया. तो वो सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं हम लोग. अभी परफेक्शन तो नहीं हुई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक ये हुआ है. और यहाँ पे जोहा और असराबाजी जो हैं दे हैव बीन लाइक अ पिलर ओवर हियर, लाइक ऑलवेज सपोर्टिंग ओवर देयर. मैं हेड तो कर रही हूँ लेकिन दीस बोथ आर रियली दे कैन बी रिगार्डेड एज हेड्स एज वेल. दे आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब. हर पारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें भी रहती हैं. एक एक छोटा कॉलम एडिटिंग के लिए एक टीम रखे हम लोग, प्रूफ रीडिंग मतलब चेक योर आया, ट्रांसलेशन चेक करो, एक को बोले तफसीर बराबर आ रही है क्या चेक करो. तो इतने सारे लोग जो हैं, जो भी हैंड रेस्ड दिख रहे हैं आपको, सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह. इसकी वजह से ही ये पारे आपके हाथ में एक बुक फॉर्म में आ पा रहे हैं, अदरवाइज इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल बाय सिंगल हैंडेड वन पर्सन. अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर टू एवरीवन हु हैव सपोर्टेड हियर, जज़ाकल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. और अभी मैं आप लोगों के लिए ये दुआ कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर टेकिंग इज कंपाइलेशन ऑफ कुरान. तो अल्लाह ताला उनके लिए जितना डिफिकल्ट था कंपाइलिंग ऑफ कुरान, इन सब के लिए भी कुछ कम नहीं है उससे. दो इट इज इन वन कंपाइल्ड बुक, लेकिन उसको फिर रोमन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करना और फिर बुक फॉर्म में अवेलेबल करना, फिर उसको उसमें कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होना. मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इट्स बीन चेक्ड, रीचेक्ड, चेक्ड, रीचेक्ड बाय द होल टीम.
मेरी दुआ आप लोगों के लिए ये है कि बुक कंपाइलेशन में जो सहाबा अकराम थे, जैद बिन साबित वगैरह, अल्लाह ताला आप लोगों को उन सब के साथ जन्नतुल फिरदौस आला में रखे और उनसे कम ना रखे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। देन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वीडियो एडिटिंग टीम, एक मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, उसके बाद विल मूव अहेड विद द टॉपिक्स। तो जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीडियोस आप लोगों को नजर आते हैं, अरे सब लोग बोलते हैं वी लव यू बाजी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, आपकी वीडियो इतनी अच्छी। मेरा काम सिर्फ ये है, ये एक माइक है देखिए, इससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ और ऑडियो दे देती हूँ, खत्म, मेरा काम उतना ही है। लेकिन बाकी का काम पूरा वीडियो एडिटिंग टीम करती। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द वीडियो एडिटिंग टीम। वीडियो एडिटिंग टीम इज हेडेड बाय अर्शदा एंड अर्शदा जोहा, ये दो लोग हैं जो दोज हु आर हैंडलिंग एंड एडिटिंग तफसीर के वीडियोस, बिकॉज आई नो दे हैव द डेप्थ ऑफ दैट नॉलेज। तो आई हैव लाइक ये दोनों को आई हैव लाइक गिवन की तफसीर के, दोनों ही करेंगे। तो ऑल द तफसीर वीडियोज आर एडिटेड बाय अर्शदा एंड जोहा। फिर बाकी के जो दूसरे है, निशात, सबाहत, निखत, शमशाद, अब शमशाद को भी जो है लेना है मैं, क्योंकि शमशाद अभी प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन गए, आई हैव अ मीटिंग विद हर आफ्टर दिस सेशन इंशाल्लाह। तहसीन और जैबा एंड आमिना तजवीद सेक्शन के भी कर रहे। तो प्लीज वीडियो एडिटिंग टीम, आमिना दूसरे वीडियोज भी पहले किए थे बिफोर हैंडलिंग तजवीद, नाउ शी हैज गॉट बिजी विद दैट। तो ऑल दीज आर वीडियो एडिटर्स, और यकीन मानिए इतना वो जो ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड ब्यूटीफुल, मैं सिर्फ लाके रॉ मटेरियल रख देती हूँ, बाकी का पूरा ये लोग प्रिपेयर करते। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग माय वॉइस रीच इन अ ब्यूटीफुल वे टू ऑल दिस पीपल। अर्शदा एंड जोहा कैन स्पीक अबाउट द एडिटिंग प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जज़ाकअल्लाह खैर उस्तादा फॉर ट्रस्टिंग और इतना सब सिखाने के लिए। डी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे पहले तो हर चीज की ट्रेनिंग मिलती घर बैठे, हालांकि कोई ऐसे प्रोफेशनल नहीं थे हम इसमें, पहले से कुछ भी नहीं आता था एडिटिंग वगैरह, उस्तादा की ही मेहरबानी है सब कुछ सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम है, सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते। और जज़ाकअल्लाह खैर उस्तादा, जज़ाकअल्लाह खैर ज़ोहा। अर्शदा डू यू वांट टू स्पीक? दौरे कुरान के और तफसीर के ये लोग ही करते दोनों जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु बाजी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने हम पर इतना भरोसा रखा और इस काम के लिए हमें सिलेक्ट किया है। मेरे ख्याल से 2017-2018 का वो साल होगा जब सबसे पहले आपने हमें वीडियो एडिटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उससे पहले आप ही सारे वीडियोज बनाती थी और यूट्यूब पे अपलोड करती थी और हम लोग वीडियोस देखते थे, लेकिन इसके पीछे क्या है, क्या टेक्निक है, कुछ कुछ भी पता नहीं था। तो वो आपने हमें सिखाया कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, फिर किस तरह से एक ब्यूटीफुल वीडियोस उससे बनाना है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो पहले बनाते थे, लेकिन खूबसूरत स्लाइड्स टू द टॉपिक, मतलब टॉपिक से रिलेटेड खूबसूरत स्लाइड्स बनाना और उसको आपके आवाज़ के साथ मैच करते हुए खूबसूरत सा वीडियो बनाना, ये पूरा पूरा टेक्निक आपने हमें सिखाया है। तो जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में बहुत छोटी सी टीम थी अपनी, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी बड़ी एडिटिंग टीम अपनी बन चुकी है और सारे एडिटर्स इतने खूबसूरत वीडियोज बनाते हैं और वो भी सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना फ्लोट हो जाए, अगर हम कोई हदीस या कोई भी रेफरेंस दे रहे हैं तो वो गलत ना हो, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो उस जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और सारे एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं, कभी कोई बिजी हो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में तो दूसरा दौड़ के आ जाता है कि हम करेंगे, ये हम करते हैं ये काम, बहुत अच्छा लगता है। एक टीम वर्क, एक यूनिटी है एडिटिंग टीम में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब दारुल अरकम के वेबसाइट पे जाइए, दारुल अरकम के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको दारुल अरकम के बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे अलग अलग टॉपिक के, वो सब देखिए ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो इंशाल्लाह ताला। शमशद का कल वीडियो देखा तो इतनी खुशी हुई दिल को कि इतना खूबसूरती से शमशद ने वो वीडियो बनाया है, सूरह नूर की वो आयत इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट की है, बहुत अच्छा लगा। शमशद कहाँ से सीखा आपने, मुझे भी सिखाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। हर वक्त हर पल आप हमारे साथ हैं, तो इसलिए कोई डर नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बाजी फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने हमें सिखाया है, और हर वक्त आप हमारे साथ हैं तो इस बात का एहसास हमें बहुत हिम्मत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। जज़ाकल्लाह खैर अर्शदा फॉर शेयरिंग दिस। और दो लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मैं हियर, एक तो सायरा खान, जो क्विज पूरे चलते ना आप लोगों के पास जो गूगल फॉर्म की। सायरा खान कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। तो ये जो पूरी क्विज का जो बोलबाल चलता आप लोग के पास पूरे ग्रुप्स में, तो सायरा इज द वन हु प्रिपेयर्स ऑल द क्विज जो पूरे ग्रुप्स में पोस्ट होता, एंड शी इज द वन हु मैनेजेस एवरीथिंग अबाउट क्विज। सायरा यू आर नॉट देयर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जल्दी आओ सामने। एंड अदर इज समीना, जो है समीना आर यू देयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी रेज योर हैंड एंड कम ऑन कैमरा, we all want to see you. इतना मोटिवेट करते जो डेली मोटिवेशनल कोट्स के जो पोस्ट आते, she is the one who prepares it. सब लोग इतने मैसेजेस आते समीना, यकीन मानो। अरे सायरा एंड समीना प्लीज कम ऑन कैमरा, आई वॉन्ट टू सी यू बोथ। तो ये दोनों जो है ना इतने मैसेजेस आते, सबको दिखते, हैंड रेस करिए, करके कैमरे पे आइए। तो हमको भी काफी अरसा हो गया जी, तो इतने मैसेजेस आते हैं कि बाजी आपका पोस्ट देख के टुडे आई हैव डन दिस, बट इट इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय समीना। वन सेकेंड मैम, एक्चुअली आई हैव ओपन्ड टू सेशन बिकॉज़ आई एम टुडे इज आल्सो आई हैव क्लास बट ऑनलाइन, तो आई एम इन टू एप्स, सो आई थिंक इट्स नॉट अलाउइंग मी। आई कैन सी यू समीना, वी कैन सी यू। तो समीना इज इन दुबई एंड एट द सेम टाइम शी इज अ वर्किंग वुमन आल्सो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन कनेक्टेड टू हर सिंस माय डेज इन रियाद, आई नो हर। एंड सायरा, जो क्विज में आप लोग देखते क्वेश्चंस एंड ऑल, सायरा खान यू कैन रेज योर हैंड एंड कम ऑन कैमरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी मैम, बोलना है कुछ? जो बोलना है क्विज में बोल देती मैं, अभी यहाँ क्या बोलूं। और वैसे आप ही सिखाए मैम जो गूगल फॉर्म में बनाना, पहले तो व्हाट्सएप पे रहते थे क्विजेस और काफी उसमें मेहनत रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप गूगल फॉर्म का और रिजल्ट्स का पैटर्न आप बनाने से सिखाने से उस पे इजी हो गया मैम, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अल्हम्दुलिल्लाह। देन ये पोस्ट तो ये लोग बनाते हैं, लेकिन पोस्टिंग्स में दोज हु हेल्प, शी इज द वन हु प्रिपेयर्स दिस। लेकिन पोस्टिंग में शाइस्ता, अभी अभी शादी हुई उनकी दो लास्ट वीक, तो शी माइट नॉट बी हियर। एंड देन जोहा एंड शीबा, दीज पीपल आर देयर, क्योंकि टाइम का ख्याल रखते हुए सही टाइम पर पूरे लेसन्स एंड एवरीथिंग पोस्ट करना इट्स नॉट इजी। सो शीबा जोहा से तो अभी आप लोग मिले, शीबा जोहा एंड शाइस्ता, दे आर इन पोस्टिंग टीम। सो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन टू एवरीबडी, टू ऑल माई टीम, आई लव यू ऑल फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। एंड अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे जेम्स, ऐसे डायमंड्स, ऐसे हीरे मुझे दिए हैं जिसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों को और हम लोग को हमेशा जोड़ कर रखे और जन्नतुल फिरदौस आला में सबको साथ रखे। अभी टीम कंप्लीट नहीं हुई, बहुत सारी टीम है, बट आई नो यू पीपल विल लूज इंटरेस्ट नाउ, सो लेट मी मूव अहेड विद द टॉपिक एंड लेट्स कंटिन्यू द कोर्स इंशाल्लाह ताला।